नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सलेंसी अल्बनीजी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलेन, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ अपोजिशन पीटर डटन, असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर टिम वॉट्स, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्नॉलेज द ट्रेडिशनल कस्टोडियंस ऑफ द लैंड दैट वी आर मीटिंग हियर ऑन टुडे। आई पे माय रिस्पेक्ट to their elders past, present and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां सिडनी में इस एना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है, ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था।